नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है, यानी हर दिन एक अलग देवी की पूजा का विधान है। हर देवी का अलग स्वरूप है और अलग महात्म्य भी। इसीलिए नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा को उनकी पसंद का भोग लगाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। भारत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को स्थापित कर विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। देवी माँ के इन रूपों में माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 7 अक्टूबर 2021 से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा आरंभ हो गई है। इस दौरान माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण उन्हें हर दिन अलग प्रसाद चढ़ाते हैं। आप भी जानिए किस दिन माँ के किस रूप को क्या चढ़ाने से होगी विशेष फल की प्राप्ति। पहला दिन माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है और अगर ये गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना और इन देवी को लगाया जाता है शक्कर और पंचामृत का भोग। माँ को इसका भोग लगाने से दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के स्वरूप चंद्रघंटा का पूजन करने का रिवाज है। उन्हें दूध से बनी मिठाइयों और खीर का भोग लगाया जाता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाए, इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दे और खुद भी खाए। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। भक्तों को अच्छी सेहत और माँ दुर्गा के आशीर्वाद के लिए नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता स्वरूप को भोग में केला चढ़ाया जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। जिंदगी में आने वाले संकटों से अपनी रक्षा करने के लिए माता के कालरात्रि स्वरूप को गुड़ या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। आठवां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि के आठवें दिन माता के महागौरी स्वरूप को नारियल का भोग लगाए जाने की परंपरा है। आप नारियल से बनी मिठाइयां भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। नवां दिन माँ सिद्धिदात्री। इस दिन नवरात्रि का समापन होता है और इस दिन माता रानी को लगाया जाता है हलवा, पूरी और चने का भोग। माँ रूपी 9 बाल कन्याओं को घर बुलाया जाता है और पूरे प्यार और आदर के साथ उन्हें पूजा जाता है, भोजन कराया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।